स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। करंट जीके में आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और सब टॉपिक पर बात करेंगे। आप विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दें कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र भारत में WHO की सहायता से, या आप ये भी कह सकते हो कि WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बहुत बड़े ग्लोबल सेंटर, वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई है पारंपरिक चिकित्सा, ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये क्या होता है? जैसे आयुष, आप आयुष कह सकते हो इसे, आयुर्वेद, होम्योपैथी, बताऊंगा आपको आयुष क्या होता है, उससे संबंधित है ये। आप जानते हो भारत पारंपरिक चिकित्सा में टॉप पर है। आज भी दुनिया में 80% लोग जो है पारंपरिक चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं, और कोरोना काल में तो ये हमारे लिए रामबाण साबित हुआ है, आप ये बखूबी जानते हो। तो इसकी जो लागत है 2000 करोड़ रुपए है, WHO की सहायता से स्थापित किया गया है, लेकिन ये जो लागत लगाएगा वो इंडिया देगा, भारत सरकार देगी 2000 करोड़ रुपए। इस प्रकार के क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं, तो ये ध्यान रखना आप। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसको ध्यान से पढ़े। परंपरागत चिकित्सा पद्धति, ये क्या है परंपरागत चिकित्सा पद्धति, जिसे मैंने अभी एक नाम लिया आयुष, मैं बता देता हूं। आयुष, ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, एक बार सीडीएस में ये आया भी हुआ है। वाई का मतलब होता है योगा नेचुरोपैथी, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सीधा, ये यूरोपियन पद्धति है, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। अब आप देखिए इसमें एलोपैथी नहीं है, इसको बढ़ावा देने से संबंधित है, और इस रूप में बढ़ावा देना कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ना, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ना। आप ये भी कह सकते हो कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति का मानकीकरण करके, स्टैंडर्डाइजेशन, परंपरागत चिकित्सा पद्धति का मानकीकरण करके उसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ना, या उसे वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर उसे मान्यता दिलाना, इसका उद्देश्य ये है। तो आप सोचिए भारत में कितनी बड़ी प्रोग्रेस लिखी जा रही है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया है ये 19 अप्रैल 2022 को ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा आपने दो नाम और सुने होंगे, एक नाम है टेड्रस अधानोम, अभी बात करेंगे कौन है ये टेड्रस अभानुन, और एक है प्रविंद जगन्नाथ। ध्यान रखें, अलग से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ये जो प्रविंद जगन्नाथ है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, इन तीनों ने इसका शुभारंभ किया है। आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। टेड्रस अधानोम ये पूछा भी गया है और मैं इसकी बात भी करूंगा भी। समझ में आई बात सारी। आयुष के संबंध में ये आया हुआ है कि आयुष का पूरा नाम क्या है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको प्रयास करूंगा कि अगला जो लेक्चर हो इसकी डिटेल के बारे में बात करूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, अभी मैं उसको आपके एग्जाम की दृष्टि से जोड़कर बताऊंगा, एक बार मुझे उसको थोड़ा सा तैयार करने दीजिए फिर बात करूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखें इसका पूरा नाम ध्यान रखें आप, टेड्रस अधानोम, एक बार नोट करो फिर मैं टेड्रस अधानोम पर बात करूंगा। आइए, ये जो टेड्रस अधानोम है आप भली भांति जानते हो WHO के महानिदेशक है, और ये जो ग्लोबल सेंटर स्थापित किया गया है ये WHO के द्वारा ही किया गया है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। शुभारंभ और इसके जो स्थापित किया गया है आप लिख दीजिए चाहे यहां पर WHO की सहायता से। WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पहले भी इसके बारे में काफी डिटेल आपको दे चुका हूं, आज मैं हल्का सा आपके एग्जाम की दृष्टि से ही उसको उठाऊंगा। एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, वो भी इसमें बखूबी काम करती है, लेकिन अभी मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इसे देख रहा हूं। इसकी जो स्थापना हुई थी, मेरे पुराने लेक्चर जब आप देखोगे आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करवा चुका हूं ये। अब आप इसको कितना का आपने नजरअंदाज किया है या कितना का आपने इसको लाइक किया है, ये तो बेटा देखो आप लोगों पर डिपेंड करता है। और इस तरीके से आपको बताया गया है बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है जो चीज आई वही दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना काल के अंदर इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तब मैंने 2-3 बार लेक्चर दिया था, ये याद कीजिए और उसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट होता है ये। आज मैं बात करूंगा इसकी स्थापना की, 7 अप्रैल 1948। कोई हैरत की बात नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। 7 अप्रैल इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है। ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है आप बखूबी जानते हो, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य होता है। दिवस का जो उद्देश्य होता है सामान्यतः जागरूकता पैदा करना ही होता है, या दूसरे रूप में आप कहो तो किसी की स्मृति में होता है, तो जागरूकता पैदा करना। ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं दिवस के संबंध में। एक तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इसकी जो घोषणा की थी 7 अप्रैल 1948 को WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा की गई थी, विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा की गई थी। लेकिन ये जो पहली बार मनाया गया था ये मनाया गया था 7 अप्रैल 1950 को, ध्यान रखना सॉरी। और लेटेस्ट जो है ये मनाया गया है 7 अप्रैल 2022 को। क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, आपने इसके अंदर आपने ध्यान में रखना है थीम ओवर प्लेनेट ओवर हेल्थ, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी डाला है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन रखें, जो यहां पर आपको बताया जाता है करंट के संबंध में जो भी बात होती है उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको पूरा उलझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप में एक दक्षता पैदा हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, राकेश मेहरा जी के क्लासेज के नाम से ही है वो, उसको ज्वाइन करें और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अपना मूल्यांकन करके खुद को इवेल्युएट करें। अब देखिए इसका जो हेड ऑफिस है ये जिनेवा है, और इसके जो महानिदेशक है या हेड कह सकते हो ये वही है जिसका नाम अभी अपनों ने लिखा है टेड्रस अधानोम। लेकिन फिर ये एक सवाल पैदा होता है, ये किस देश से संबंधित है, ध्यान रखें ये इथोपिया से संबंधित है, अफ्रीकन कंट्री है ये, क्लियर, एक बार नोट करें। अब मैं बात करूंगा गुरु तेज बहादुर जी के बारे में, उनका 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया 21 अप्रैल 2022 को। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ध्यान रखिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा ये कुछ फैक्ट्स हैं। दुनिया की 80% आबादी प्रयोग करती है प्राकृतिक चिकित्सा का, जिसमें से 40% जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसको मान्यता दी गई है, और कारोबार में भारत में बढ़ोतरी होगी। ओबियसली बात है, मैं बताऊंगा आपको, आयुष वीजा दिया जाएगा और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित आप ये कह सकते हो कि जो पारंपरिक चिकित्सा है उससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो कॉस्मेटिक के रूप में हो चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, उसके निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा एक बार थोड़ा रुक जाइए, मेरा अगला जो लेक्चर होगा वो इसी पर होगा। कोरोना में उम्मीदें बढ़ी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए मैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करना चाहूंगा। गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती, ठीक, अब ये जो 400वीं जयंती मनाई गई है ये
मनाई गई है 21 अप्रैल 2022 को, 400वां बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी आपके सामने है। मेन बात है 400 रुपए का सिक्का जारी किया गया, स्मारक सिक्का है, मुद्रा के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान रखें स्मारक सिक्का है, एक स्मृति भी कह सकते हो, उनका सम्मान भी कह सकते हो, और सबसे अधिक मूल्य का स्मारक सिक्का है ये, आप लिख सकते हो विश्व में सर्वाधिक मूल्य का स्मारक सिक्का। काफी हाईलाइट किया गया है इसको, इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा इस सिक्के को थोड़ा देख लें। ये जो निर्मित हुआ है, ये जो बना है, ये बना है 50% चांदी से, इसके अलावा इसके अंदर कॉपर, निकल, ये सब है, 50% चांदी से इसको बनाया गया है। इसको गौर से देखें, दोनों साइड में आपको बता चुका हूं, यहां पे देखिए लिखा है गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती, देखिए 400वीं जयंती लिखा हुआ है, इधर नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना यहां पंजाबी में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, पंजाबी में भी कुछ लिखा हुआ है। आपके यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में जो सिक्का जारी किया गया है उसमें कितनी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, 3 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। अब आप देखिए 1621 से 2021, 1621 से 2021 400 हो गए ना पूरे, तो 400वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा दिखाया गया है यहां पर, ये गुरुद्वारा है ठीक, और यहां पर ये अशोक स्तंभ है, इसके बारे में हम बात करते हैं, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, ये 4 जंतु होते हैं इसके अंदर, घोड़ा होता है, बैल होता है, सिंह होता है, आप जानते हो 3 जंतु, सॉरी हाथी को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये सत्यमेव जयते शब्द है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है सारा, क्लियर होगी सारी बात। इनके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो गुरु तेग बहादुर जी है 1675, ये सन याद रखना है 1675, मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनकी हत्या की थी, मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा हत्या। सिख गुरु के संबंध में हत्या को यदि हम कोरिलेट करें तो 2 क्वेश्चन बहुत पैठ होते हैं, एक तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या कराने वाला मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर। सिखों के 9वें गुरु, ध्यान रखना ये 9वें गुरु है, आप जानते हो 10 गुरु होते हैं, 9वें गुरु की हत्या कराने वाला मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब, ध्यान रखें ये क्वेश्चन आते हैं, सदा बाहर क्वेश्चन की श्रेणी में होते हैं, क्लियर हुई सारी बात, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार किए गए अशोक स्तंभ में 3 जंतुओं का चित्रण देखने को मिलता है, ध्यान रखें कंफ्यूज मत हो जाना, शेर, बैल, घोड़ा, ये दायां बायां भी आपके क्वेश्चन आता है, 24 तिलियां, अशोक स्तंभ होता ना सारा ये। चलिए नेक्स्ट, कुछ दिवस है आपके सामने मैं रख रहा हूं, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल, मुझे याद आ रहा है ये आसपास किसी एग्जाम में आया भी हुआ है। विश्व पृथ्वी दिवस, अभी SSC के पेपर हुए थे उसमें विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2021 की थीम पूछी थी, तो इसका मतलब अब आपके ये क्वेश्चन बनेगा कि 22 अप्रैल 2022 की थीम क्या है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इस पर लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस, इस पर भी आपको लेक्चर डिटेल में मिलेगा। ग्रामीण व पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ये दिवस है एक बार नोट कर ले, इनकी डिटेल में बातें बताऊंगा। तो दोस्तों आज हमने कर्ण जीके के संबंध में कुछ टॉपिक और सब टॉपिक को जानने का प्रयास किया, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको आप स्मार्ट तैयारी बोलते हैं वो यही है, और
पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। स्मार्ट तैयारी करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।